7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इंडियन कोस्ट लाइन को आप कितना भी छानो, आपको हार्डली ऐसे कुछ बीचेस नजर आएंगे जिनका पानी ब्लू और क्रिस्टल क्लियर हो। इनफैक्ट भारत में अगर आपको एक्चुअल में ब्लू समंदर वाले बीचेस देखने भी है तो आपको एंडमैन निकोबार आइलैंड्स या फिर लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कचरा, पॉल्यूशन और इंडियंस का अपने बीचेस पानी को रिस्पेक्ट ना करना इन बीचेस के और पानी के खराब होने के पीछे का प्राइमरी रीजन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये केस नहीं बनता। भारत में कुछ दूसरे ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है वो मैला या ब्राउनिश नजर आता है, ग्रेश नजर आता है कुछ कुछ रीजन्स में। और ये क्या वजह है जिसकी वजह से इंडिया में समुद्र का कलर ठीक से नहीं नजर आता दुनिया के जैसे, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है देश के अंदर समुद्र के कलर के पीछे, वो है इंडिया की जियोग्राफी और क्लाइमेट। अब हम बात करें इंडिया की जियोग्राफी की, तो इंडिया ज्यादा एक समतल देश नहीं है। ज्यादातर जो कोस्ट के पास की एरिया है वो तुरंत किसी न किसी टाइप के पहाड़ी एरिया के अंदर ट्रांसलेट होना शुरू होते हैं। अगर हम ईस्टर्न घाट्स को देखें, वेस्टर्न घाट्स को देखें, तो ये कंपैरेटिवली कोस्ट से ज्यादा दूर नहीं है, जबकि समतल एरिया जो है वो देश के अंदर ज्यादा बीच में है, डेक्कन प्लेटो वाले रीजन में, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी नदियां हैं जो कोस्ट के काफी पास में रफ एरियाज में से शुरू होती है। इसकी वजह से जो कोस्टल स्लोप भी है, जो पहाड़ से लेकर समुद्र तक का सी लेवल राइज या डिप होता है, वो भी देश में कंपैरेटिवली कई देशों से बहुत जल्दी होता है, जिसके कारण जो नदियां बहती है भारत में कोस्ट के पास में वो ज्यादा फास्ट फ्लोइंग होती है, पानी का स्पीड इनके अंदर ज्यादा होता है, और इसके वजह से ये ज्यादा सेडिमेंट्स उठाती है। अब सेडिमेंट्स का मतलब ये है कि जो नदियों के आसपास की मिट्टी है, लूज सॉइल है, रॉक्स है, वेजिटेशन है, ये सारी चीजों को ये उठाना शुरू कर दी है अपनी स्पीड की वजह से। और भारत के अंदर का जो सॉइल है वो ज्यादा क्ले की तरह नहीं है, बल्कि लूज और बहुत फर्टाइल तरीके का सॉइल है जो कि ढीला होता है, और तेज पानी का बहाव, स्लोप, ये सारी चीजें मिलकर भारत की नदियों को ऐसा बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा मिट्टी उठाकर चलती है। अगर आप समुद्र को छोड़कर भारत की रिवर्स को भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि देश की रिवर्स क्लीन एरियाज के अंदर भी ब्राउन नजर आती है। इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश की नदियां जो हिमालय पहाड़ों में से निकलती है, ये चाहे कोस्ट के पास से क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि ये इतने बड़े हाइट पे से निकलती है तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा फोर्स नजर आएगा पानी के अंदर स्पीड के हिसाब से, जबकि ये इतने पॉल्यूटिंग एरिया में ना होने के बावजूद भी ब्राउनिश नजर आएगी, जो कि मिट्टी और सेडिमेंट्स की वजह से है। दूसरा जो रीजन बनता है इसके पीछे का वो, और ये रिवर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है समुद्र को मैला कराने के लिए, लेकिन ये एक एडिशन के साथ में होता है जो कि हमारे जो क्लाइमेट। दोस्तों इसके बारे में बात करने के पहले ये चीज क्लियर करना जरूरी है कि मॉनसून या बारिश का महीना या रेनी सीजन एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ज्यादातर साउथ एशिया या इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। मॉनसून जो हमारे यहाँ पर होता है वहां पर डेफिनेटली 4 से 5 महीने, कुछ कुछ रीजन में 6 महीनों तक भी ऐसा क्लाइमेट बना रहता है जहां पर हम जानते हैं कि डेफिनेटली बारिश होने वाली है और होगी, जबकि दुनिया के ज्यादातर रीजन्स के अंदर बात अगर हम करें क्लाइमेट की तो वहां पे कोई रेनी सीजन नहीं होता, वहां पर रैंडमली बीच बीच में छोटी मोटी बरसात होती रहती है शॉर्ट क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से, लेकिन ऐसा कोई डिफाइंड सीजन नहीं होता है जहां पर कुछ महीनों के लिए कंटिन्यूस बारिश होना शुरू हो जाएगी। इसके कारण भारत में होता यह है कि ये जो नदियों के अंदर बारिश के पानी का इनफ्लो है वो कंपैरेटिवली दुनिया के ज्यादातर नदियों से बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जो दुनिया की बाकी नदियों के हम कंपैरिजन में देखें तो ये इस तरीके से बढ़ती है कि जब पहाड़ या ग्लेशियर में से ये शुरू होती है तो वही पानी मेजरली अंदर तक जाता है समुद्र तक, लेकिन भारत में नदियां समुद्र में मिलने के पहले बहुत ज्यादा ऐसे छोटे स्ट्रीम्स के साथ में मिलती है, छोटे आप कह सकते हो दूसरे नदियों के साथ में मिलती है, जो हैवी सेडिमेंट्स उठाने के साथ साथ इन नदियों के अंदर एडिशंस हो रहे हैं, जिसके वजह से ये नदियां बहुत ज्यादा मिट्टी, सेडिमेंट्स और दूसरे वेजिटेशंस को उठाते हुए समुद्र में मिलती है। इसका अगर एग्जांपल देखना है तो हम जा सकते हैं भारत के किसी भी कोस्टल रीजन में, यहाँ पर एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे देखते हैं गल्फ ऑफ खंबात। क्लियरली अगर आप सैटेलाइट व्यू से भी देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि जहां पर नर्मदा नदी गल्फ ऑफ खंबात में मिल रही है वहां पर बहुत ज्यादा बड़े एरिया में जो नदी से आया हुआ ब्राउन पानी है वो समुद्र के अंदर इंटरफियर कर रहा है। समुद्र के अंदर इंटरफियर होने की वजह से जो कोस्ट के आसपास के कई किलोमीटर तक के एरिया के अंदर ब्राउनिश वाटर ही नजर आता है। वही अगर हम दूसरे किसी देश को देखें, दुबई को देख ले, तो दुबई में कोई भी ऐसी मड़ी नदी डायरेक्टली समुद्र के अंदर मिलते हुए नजर नहीं आती, जिसके वजह से समुद्र के पास में चाहे डेप्थ समुद्र की कम क्यों ना हो जाए पानी फिर भी ब्लू ही रहता है, क्योंकि ये सेडिमेंट्स वहां पे मिक्स नहीं हो रहे हैं। और ये प्राइमरी रीजन है कि देश के अंदर क्यों ज्यादा ब्राउनिश या ग्रे समुद्र नजर आता है। वैसे ये भारत के अकेले की समस्या नहीं है, जो ऐसे क्लाइमेट को शेयर करने वाले देश है उनमें भी ऐसी समस्या है। इनफैक्ट भारत से ज्यादा बड़ी समस्या ये बांग्लादेश में है, क्योंकि उनके पास में हमसे भी बहुत ज्यादा डेंसिटी में नदियां है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये बांग्लादेश के बीचेस की है, जो सिमिलर है इंडिया के, जहां पर कोस्ट से अच्छे खासी दूरी तक आपको मडी वाटर्स नजर आएंगे। और आप नॉर्मल फोटोज भी देखोगे बांग्लादेश बीचेस की तो वो इंडिया की तरह नजर आता है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे इंडस्ट्री पॉल्यूशन
क्या इशू है, यहाँ पे भी रिवर का इशू है। दूसरा जो मेजर रीजन निकल कर आता है भारत के अंदर समुद्र के कलर का अलग होने का, वो है ओशन फ्लोर की डेप्थ। ये मैप जो आप सामने देख रहे हो वो दर्शाता है कि समुद्र अंदर कैसा है। अगर हम पानी हटा दे तो नीचे का टेरेन कैसा है। अगर आप देखो तो इंडिया के दोनों तरफ के जो पानी है वो ज्यादा ब्लू नजर आते हैं इन वाले मैप्स के अंदर। ब्लू का मतलब ये है कि ये ज्यादा डीप वाटर्स है ऑन एन एवरेज। अगर आप पानी को स्टोर करना शुरू करते हो किसी भी रीजन के अंदर तो जितना ज्यादा वो डीप पानी होता है उतना वो डार्क नजर आता है। इनफैक्ट अटलांटिक ओशन और कुछ दूसरे एरियाज के अंदर जो बहुत दूर दराज के है वहां पर ऑलमोस्ट ब्लैक ओशन नजर आता है, क्योंकि वहां पे पानी इतना ज्यादा डीप है कि कहीं पर से भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है जब लाइट पानी के अंदर घुसना शुरू होती है तब। और क्योंकि इंडिया का पानी ऑन जनरल भी ज्यादा डीप है तो जो ये मडी ब्राउनिश कलर का पानी है ये ज्यादा एम्पलीफाई होने लगता है और ज्यादा डार्क कलर के ये ओशन हमें नजर आते हैं कंपेयर टू जो आप कहे लाइट और ब्राइट जो दूसरे बीचेस नजर आते हैं दुनिया में उनके कंपैरिजन में, क्योंकि कुछ किलोमीटर अंदर तक भी इनकी डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं होती। और ये वन ऑफ द रीजन ये भी है कि क्यों इंडिया के अंदर जो ओशंस के पास का एरिया है वो इतना नेविगेबल नहीं है, वहां पे शिप्स वगैरह चलाना थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, क्योंकि इस तरीके का पानी दिखने में गंदा क्यों ना हो ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा वेजिटेशन को होस्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को होस्ट करता है, कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पर इंटरनली नेचर करती रहती है जिसके कारण यहाँ पर काम करना जरा डेंजरस और डिफिकल्ट बन जाता है सेफ्टी के हिसाब से। ओशंस वैसे भी डेंजरस प्लेस है जहां पर गुम हो जाना मुश्किल नहीं है और फिर से अलाइव मिलना इससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन इसके बावजूद लुइस ज़ैम्पेरिनी ने अपने प्लेन के ओशन में क्रैश होने के बावजूद 46 डेज तक वो ओशन में बचे और इस बीच भूख और प्यास को सर्वाइव भी किया। और इसके बारे में आप सुन सकते हो इन डिटेल अनब्रोकन अ वर्ल्ड वॉर टू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल रेजिलियंस एंड रिडेम्पशन इन हिंदी इस बुक समरी के अंदर कुक एफएम के ऊपर। बस यही नहीं लेकिन लुइस का एथलेटिक करियर इसके बारे में भी आपको इंस्पिरेशनल चीजें सुनने के लिए मिलेगी चैप्टर 5 में। कुक एफएम पर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेगी और वो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में जो आप कभी भी और कहीं पर भी सुन सकते हो। कुको एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 का है लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड PT50 का यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, यानी सिर्फ 199 में इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें और कुको एफएम को डाउनलोड करें अपनी मनपसंद ऑडियो बुक सुनने के लिए। अब लास्टली जो एक और रीजन बनता है समुद्र के गंदे होने के पीछे उसको भी एड्रेस कर लेते हैं, जो कि है पोल्यूशन। मैंने जो भी बात की वो मेजर रीजन है समुद्र के कलर को चेंज करने के लिए, लेकिन पोल्यूशन हमारे यहाँ पे होने वाला कचरा इस चीज को डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आपको कोई भी ऐसी कोस्टल सिटी देखनी है जो कि समुद्र से लगी हुई हो और बड़ी सिटी वो हो, मुंबई को एग्जाम्पल दे लेते हैं। यहाँ पे रिवर्स मिलती है, मडी रिवर्स मिलती है समुद्र के अंदर, लेकिन अगर आप यहाँ के बीचेस को जाके देखोगे, यहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास के समुद्र को जाके देखोगे तो वहां के पानी में मडी सेडिमेंट से ज्यादा आपको प्लास्टिक्स, केमिकल्स, ऑयल मिक्सचर्स इन जैसी चीजें नजर आएगी। और इसके वजह से दोस्तों भारत में दूसरे समुद्र की बात रही अलग, लेकिन मुंबई कोस्टल की अगर हम बात करें या इनफैक्ट कुछ जगह पे हम चेन्नई की भी थोड़ी बात कर ले तो लिटरली ग्रे समुद्र नजर आता है, डार्क ब्राउन समुद्र से भी ज्यादा गंदा। और जब हाई टाइड्स आती भी है उस समय पर हमेशा मुंबई में होता है कि मानसून के टाइम पे समुद्र कचरा जो है वो फिर से बाहर फेंक देता है जो कि सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। बात करें ये कचरे के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन मेजरली भारत के अंदर क्या है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन सीवेज का रीजन भी है। साथ साथ जो समुद्र के अंदर आने वाला ये कचरा होता है ये गल्फ क्रीक जो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर दोनों तरफ के वाटर करंट्स मिल रहे हैं, समुद्र की वेव्स और साथ साथ क्रीक्स में से आने वाला आउटफ्लो, ये दोनों जहाँ पे एक जगह पे मिलते हैं वहाँ पर पानी के करंट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पर एक वोर्टेक्स के जैसा बनता है जिसके कारण जो पॉल्यूशन वाले ये एलिमेंट्स है प्लास्टिक से लेके केमिकल्स तक के ये वापस स्टे करना शुरू करते हैं, वहाँ पर ये अटक जाते हैं। सेम चीज मुंबई के आसपास के समुद्र में भी होती है और कुछ दूसरे रीजन्स के आसपास में भी होती है। और यही मेजर रीजन है कि क्यों भारत का समुद्र ब्लू ब्राइट और एकदम फैंसी नजर नहीं आता। नेचुरल रीजंस की वजह से ये है, आर्टिफिशियल रीजंस एक्चुअल में फैक्टर प्ले करती है लेकिन वो ड्वार्फ हो जाते हैं कंपेयर टू नेचुरल रीजंस। दुनिया के कई ऐसी सिटीज है जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है समुद्र के पास में, लेकिन फिर भी जो फिनोमेनन इंडिया के अंदर अप्लाई हो रहे हैं वो वहां पर अप्लाई नहीं होते। इसकी वजह से समुद्र गंदा तो नजर आता है लेकिन इंडिया जितना नहीं। और ब्राउन ग्रेश कलर को गंदा जो है एज ह्यूमन हम कंसिडर करते हैं, नेचर के हिसाब से उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मैं ये कहने की बिल्कुल भी
भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि समुद्र के बारे में हमें इंडिया में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है वो होते देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से वैसे भी कुछ कलर में फर्क पड़ने नहीं वाला है, ऐसा नहीं है। उस चीज के ऊपर हमें ऑब्वियसली काम करना है, चीजों को वहां पे नहीं होने देना है पॉल्यूशन के हिसाब से। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अगर हम पूरी तरीके से पॉल्यूशन जैसी चीजों को हटा भी ले तो भी यहाँ पे समुद्र क्लियर नहीं बन पाएगा। इसका अगर आपको मैं लास्ट एग्जांपल दूं तो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार के आइलैंड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई नदी बहती नहीं है जिस तरीके से इंडिया के अंदर बहती है पहाड़ों से पानी और मिट्टी लेते हुए। इसके कारण लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद इंडियंस होने के ही बावजूद बहुत क्लीन क्लियर और साफ बीचेस को होस्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों भारत के ओशंस ब्लू नहीं। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को आप 50% डिस्काउंट पर खरीद सकते हो जो कि PT50 कूपन कोड इस्तेमाल करने के बाद में आपको देखने मिलेगा। 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको एफएम को डाउनलोड करें और अपनी मनपसंद ऑडियो बुक सुनें।